अगर आप बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर लाभ लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 31 दिसंबर के बाद अगर आपको बेरोजगारी भत्ता लेना है, यानी कि 1 जनवरी से अगर आप बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेना चाहते हैं, तो कुछ एक ऐसा काम है जो कि आपको करना होगा, जो है स्किल प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन आपको स्किल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपका फॉर्म अप्रूव है और अभी तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना नहीं लगा तब भी आपको करना है, अगर आपको बेरोजगारी भत्ता रनिंग है यानी कि आपके पैसे आ रहे हैं तब भी करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपके पैसे रोक दिए जाएंगे, अगर दोस्तों आपने आवेदन किया है और अभी तक पेंडिंग है तो भी आपको करना है, तभी आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना है, अगर ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जिस SSO ID से आपने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था उसी SSO ID से ये जो स्किल प्रमाण पत्र हैं वो आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आगे की कम्प्लीट जानकारी मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। तो दोस्तों स्किल प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए सबसे पहले SSO पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे, फिर इस वाली सर्विस का चयन करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके आगे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हैं, तो यस करेंगे। दोस्तों कोर्स का चयन करेंगे, कौन सा कोर्स आपने किया है, BEd, BTech, MBBS, BSc, नर्सिंग, बी फार्मा, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, ITI, RSCIT वगैरह, तो मैं यहाँ पे RSCIT ले लेता हूँ। तो दोस्तों लगभग RSCIT सभी के पास है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। फिर कौन से वर्ष में आपने RSCIT की थी या फिर जो भी तकनीकी प्रमाण पत्र है वो आपको मिला था। उसके बाद दोस्तों कॉलेज संस्था का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो दोस्तों RSCIT के मामलों में यहाँ पे संस्था के नाम के अंदर आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई संस्था का नाम है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे VMOU कोटा लिख लेता हूँ। वो लिखने के बाद दोस्तों मुझे वो प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार ये भी करके बता देता हूँ, मैंने ये VMOU कोटा लिख लिया है। अब दोस्तों मैं कोई सर्टिफिकेट अपलोड करे तो स्विच फाइल में जाऊंगा और उसके बाद जहां से मेरा RSCIT का प्रमाण पत्र वो मैं अपलोड कर लूंगा। उसके बाद दिनांक 1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ता जारी रखने पाने के लिए किसी भी सरकारी विभाग में आप 4 घंटे की इंटर्नशिप की जानी अनिवार्य है। क्या आप इसके लिए मतलब 4 घंटे की जो इंटर्नशिप है वो भी अनिवार्य की वो करना चाहते हैं, तो यस, और उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली और ओके बटन दबा देंगे। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे आपका स्किल का प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका स्किल का प्रमाण पत्र तो अपलोड हो चुका है, इसके अलावा भी आपको स्किल का है उस प्रमाण पत्र के साथ ही साथ दोस्तों आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। तो वो किस प्रकार से होगी वो भी मैं आने वाले समय में कंप्लीट डिटेल में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जो स्किल का प्रमाण पत्र अपलोड करना था वो अभी आपका हो चुका है, और इसके बाद जो स्किल का प्रमाण पत्र का अपलोड करने की जरूरत थी वो आपकी समस्या समाधान यहाँ पे हो चुका होगा। तो दोस्तों ये करना सभी के लिए अनिवार्य है, इसीलिए मैंने वीडियो बना के जानकारी दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।